हु इज माई वाइफ, वो क्या करती हैं, मेदांता में एज ए न्यूरोसर्जन मेरा वर्कलोड क्या है, मेदांता में एज ए न्यूरोसर्जन मेरी सैलरी क्या है, इन सारे कमेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। सैलरी से रिलेटेड वीडियो है तो आप लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो इस वीडियो पर जो सबसे अच्छे 3 कमेंट्स होंगे उनको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट में हम लोग आपको एक स्टेथोस्कोप और एक एप्रेन देंगे। ये गिफ्ट कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो प्लीज लास्ट तक देखना। गाइज यू नो आई रिसेंटली गॉट मैरिड। यस, वो भी डॉक्टर हैं और उन्होंने अपना MBBS जो है LLRM मेरठ से पास किया है। करंटली वो MD रेडियोलॉजी कर रही हैं, SGPGI में थर्ड ईयर रेजिडेंट है MD रेडियोलॉजी में। रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे अल्ट्रासाउंड और MRI के डॉक्टर होते हैं, यू ऑल नो। सो यू नो शादी के बाद मैं भी लखनऊ शिफ्ट हो गया था और मैंने यहाँ मेदांता हॉस्पिटल ज्वाइन किया। न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट यहाँ का काफ़ी एडवांस है, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ अवेलेबल है और यहाँ मैं एज एसोसिएट कंसल्टेंट की पोस्ट पर हूँ। तो यहाँ मेदांता में मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे शुरू होती है। सबसे पहले जाने के बाद मैं वार्ड जाता हूँ, वार्ड के राउंड लेता हूँ वहाँ, फिर उसके बाद मैं ICU जाता हूँ, वहाँ के राउंड लेता हूँ, यानी कि जो पेशेंट पहले से एडमिट है उनको देखता हूँ। उसके बाद 10 बजे तक मैं ऑपरेशन थिएटर पहुँचता हूँ, सर लोग के साथ स्क्रब करता हूँ, असिस्ट करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। सर्जरी न्यूरो सर्जरी में यू नो लंबी होती है तो 6 से 7 तो बच जाता है, जनरली 6 से 7 बच जाता है शाम के। कभी कभी लंबी सर्जरीज होती हैं तो और भी लेट हो जाता है, मीन्स इज नो फिक्स ड्यूटी आवर्स। और अगर बीच में फ्री होते हैं तो OPD के जो न्यू पेशेंट आते हैं उनको देखना होता है और कल के जो पेशेंट ऑपरेशन के लिए प्लान है उनका वर्कअप करना होता है। इसके साथ साथ हम लोग की 2 से 3 नाइट ड्यूटीज लगती हैं हफ्ते में। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, इस सब काम के लिए मुझे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या उससे भी ज़्यादा? बट गाइस मेरे लिए मेडिकल साइंसेज इज नॉट ऑल अबाउट सैलरी, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। मेरे लिए मेडिकल साइंसेज का मतलब है खुशी, हैप्पीनेस, लव जो आप लोगों से मिलता है, या फिर एक खुशी जो एक सक्सेसफुल सर्जरी परफॉर्म करने के बाद मिलती है, वही मेरे लिए मेडिकल साइंसेज में आने का मोटिवेशन था, वही हमेशा रहेगा। और ये आप लोगों का प्यार है जो इतनी जल्दी हमारे चैनल के 1,50,000 तक सब्सक्राइबर हो गए हैं। सो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए प्लीज़। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बट डोंट वरी, सैलरी भी अच्छी मिलती है MCH पास करने के बाद। न्यूरोसर्जरी में MCH पास करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में है वो 2 to 3 lakhs पर मंथ है, और मुझे यहाँ जो सैलरी मिलती है, जो एम्स में सैलरी मिलती थी उसकी ऑलमोस्ट डबल मिलती है, तो इट्स ओके। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेदांता में काम करते हुए मेरा वर्कलोड क्या है, मेरी सैलरी क्या है। और आप समझ गए हैं तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था जो सबसे अच्छे 3 कमेंट होंगे उनको मैं स्टेथोस्कोप और एप्रेन देने वाला हूँ। तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और इन विनर्स का अनाउंसमेंट वो मैं नेक्स्ट संडे लाइव आकर करूँगा। लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को बताऊँगा कि किस किस को हमने चूज़ किया है, किस किस के कमेंट्स को हमने चूज़ किया है जो इनको हम स्टेथोस्कोप और एप्रेन देने वाले हैं। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और नेक्स्ट लाइव का वेट करो, उसमें हम लोग विनर का अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।